हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोग पढ़ रहे प्लानिंग कमीशन, ठीक है। कल आपको बता दिए थे 5 ईयर प्लान, इसको बोला था 5 ईयर प्लान, ठीक है। 5 ईयर प्लान में आपको फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान बता दिए हैं, उसका बेसिक भी बता दिए हैं, और आज पढ़ेंगे थर्ड 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है। ये आपको चला था 1951 से 1956 तक चला था, ठीक है। 1951 से 56 तक, ठीक है। और दूसरा चला था आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान, आपको 1956 से 1961 तक, ठीक है। अब आज पढ़ेंगे हम लोग तीसरा, थर्ड 5 ईयर प्लान, ठीक है। ये आपको चला था 1961 ले आपको 1965 तक, ठीक है। 1961 ले 1965 तक, ठीक है। हम लोग आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और फोर्थ 5 जो भी है पढ़ेंगे, ठीक है। 1961 ले आपको 65 तक, ठीक है। समझ आया? तो आइए हम डिस्कस करते हैं सबसे पहला, तीसरा, ठीक है। पढ़ते हैं हम लोग थर्ड 5 ईयर प्लान, जो कि 1961 ले 1965 तक चला था, ठीक है। तो हम लोग मिटका देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, समझ आया? देखिए, अब पढ़ते हैं तीसरा, ठीक है। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 ले 1965 तक चला था, इसमें बहुत सारा घटना हुआ था इस प्लानिंग कमीशन, इस 5 ईयर प्लान में, ठीक है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले 64 में, देखिए इसे 64 नहीं, देखिए इसमें पहले ना जानते हैं कि इसमें फोकस क्या चीज़ पर दिया गया था, ठीक है। इसमें फोकस दिया गया था कृषि और उद्योग दोनों पर, ठीक है। इसमें फोकस दिया गया था, देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आपको कृषि को फोकस दिया गया था, और सेकेंड 5 ईयर प्लान में आपको उद्योग को फोकस दिया गया था, और थर्ड दिया गया था आपको फोकस दिया गया था कृषि प्लस उद्योग, कृषि प्लस उद्योग दोनों पर दिया गया था, समझा? और इसका लक्ष्य रखा गया था आपको, लक्ष्य, और देखिए लक्ष्य इसका रखा गया था लगभग 5.6%, ठीक है, 5.6%। और प्राप्ति कितना हुआ था? प्राप्ति हुआ था इसमें, देखिए इसमें प्राप्ति हुआ था 2.8%, ठीक है, 2.8%। ये आपको असफल रहा, ठीक है, असफल। इसका कारण बताएं क्यों असफल रहा, ठीक है। ये था, ठीक है, समझ आया? इसका इस पर फोकस दिया गया था कृषि और उद्योग दोनों पर, ठीक है। देखिए 1962 में जब 61 में योजना लागू हुआ, ये योजना आयोग जब लागू हुआ 5 ईयर प्लान, तब वो 61 में भारत और चीन में युद्ध हो गया था, ठीक है। 1962 में भारत चीन में युद्ध हो गया था, ठीक है। पहला पॉइंट हुआ, दूसरा पॉइंट हुआ, ठीक है, इसमें भारत और चीन में युद्ध हो गया था फर्स्ट में। दूसरा पॉइंट हुआ कि 1964 में, देखिए 1964 में आपको नेहरू जी का मृत्यु हो गया था, ठीक है, डेथ कर गए थे नेहरू जी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गया, ठीक है, मृत्यु हो गया, समझ आया? और देखिए
फिर आपको 64 में, देखिए 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया, 1964 में आपको जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गया, और 1965 में तीसरा पॉइंट है, 1965 में आपको क्या हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया था, ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया। देखिए तीनों कारण तो यही हो गया, ठीक है। इसके बाद में जब 1965 के बाद, ठीक है, 1966 में आपको भयंकर सुखाड़ आ गया था, ठीक है, बहुत सारा सुखाड़ आ गया था 1966 में, ठीक है। देखिए चौथा पॉइंट आपका है 1966 में सुखाड़ आया भारत में, सुखाड़ हो गया था भारत में, ठीक है, समझ रहे हैं सुखाड़ का मतलब, भयंकर सुखाड़ आ गया था, ठीक है। देखिए सबसे पहले 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया, 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया, और 1966 में भयंकर सुख तूफान आया था। ये आप बताइए कि यहाँ पर लक्ष्य इतना रखा गया, प्राप्ति क्या होगा, समझ आया। और देखिए इसमें है, देखिए पॉइंट है आपका, ठीक है, पाँचवा पॉइंट में यहाँ पर देखिए एक अच्छा काम हुआ था, देखिए 1966 में, ठीक है, 1966 से 67 में हरित क्रांति आया, हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति आया। हरित क्रांति का मतलब 21 साल के अंदर आपको बहुत सारा फसल हो गया, ठीक है, 1966 में आपको सुखाड़ आया था, लेकिन इसको माना गया 66 से 67 साल में, जो कि 1966 और 67 में दोनों को मिलाकर चला जाता है, 1966-67 में आपको हरित क्रांति आ गया। हरित क्रांति का मतलब ये है कि उसमें बहुत सारा उपजाऊ हो गया था, धान गेहूँ बहुत सारा हो गया था, ठीक है। तो इसी के चलते वहाँ पर जब 2.8% प्राप्ति हुआ था, ठीक है, 2.8%, ठीक है, तो यहाँ पर लगभग हम लोगों को 2.8% प्राप्ति हुआ था, ठीक है, परसेंटेज, ठीक है। और देखिए इसमें छठा पॉइंट है आपको, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए सब इसी में घटना हुआ था 1900। और छठा पॉइंट है आपको कि जब आपको जवाहरलाल नेहरू जी का मृत्यु हो गया था तो किसको पीएम बनाया जाएगा, ठीक है, उस समय पीएम पद संभाल रहे थे आपको कौन, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ने पीएम पद संभाले थे, पीएम बने थे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। देखिए फिर एक बार समझ लीजिए, थर्ड फाइव ईयर प्लान, तीसरा का फाइव ईयर प्लान, तीसरा का योजना आयोग 1961 से 1965 तक चला, इसका लक्ष्य रखा गया था 5.6%, इसको प्राप्ति हुआ था 2.8%, ये असफल रहा। इसे फोकस दिया गया था कृषि और उद्योग को। सबसे पहला पॉइंट है कि भारत चीन 1962 में युद्ध हो गया था। दूसरा पॉइंट है 1964 में जवाहरलाल जी की मृत्यु हो गया था, जवाहरलाल नेहरू के। तीसरा पॉइंट है कि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया था, समझाया। चौथा पॉइंट है आपको 1966 में बहुत सुखाड़ आया था, ठीक है, 1966 में सुखाड़ आया था, फिर 1966-67 लगभग 67 में आपको 66 आधा 66 लिया जाता है और पूरा 67 लिया जाता है, ठीक है, 1966-67 में आपको हरित क्रांति हो गया था। हरित क्रांति का मतलब बहुत सारा धान गेहूँ उपजाऊ हो गया था, ठीक है। और आपको 19 छठा पॉइंट है कि पीएम जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गया था तो पीएम किसको बनाया गया था, लाल बहादुर शास्त्री जी को, ठीक है। ये था आपको थर्ड फाइव ईयर प्लान, ठीक है। अब पढ़ेंगे फोर्थ फाइव ईयर प्लान, ठीक है, इसको मिटका देते हैं। आइए अब हम लोग चौथा पढ़ते हैं, ठीक है, फोर्थ फाइव ईयर प्लान, ठीक है, फोर्थ फाइव ईयर प्लान। ये आपको था फोर्थ फाइव ईयर प्लान, आपको 1969 से, ठीक है, आपको 1969 से 1974 तक, ठीक है, 1974 तक, ये रहा आपको फोर्थ फाइव ईयर प्लान, सुनाया। देखिए इस समय आप एक बात को गौर करिएगा कि जब थर्ड फाइव ईयर प्लान, देखिए आप समझा देते हैं, थर्ड फाइव ईयर प्लान आपको 1961 ले
1965 तक चला, तो आखिर 69 कैसे आ गया, बीच में क्या हो गया था? ठीक है, तो आपको बता दे रहे हैं, देखिए बीच में क्या हो गया था, इतना थर्ड फाइव ईयर प्लान में दिक्कत हो गया था, ठीक है, इतना लॉस हो गया था कि फाइव ईयर प्लान को पस कुछ दिन के लिए बंद किया गया। ठीक है, तो आपको उसको बोला जाता है फर्स्ट हॉलीडे। ठीक है, हॉलीडे मतलब उतना दिन तक प्लान नहीं बनाया गया था। कब तक? 1966 ले 1966 से 1969 तक। ठीक है, आपको प्लान हॉलीडे मनाया गया। ठीक है, प्लान हॉलीडे, ठीक है, इसको बोला जाता है प्लान हॉलीडे, समझ आया, 1966 ले 1969 तक। फिर इसके बाद में फोर्थ फाइव पीरियड 1969 से 1974 तक रखा गया। ठीक है, और देखिए इसका लक्ष्य कितना रखा गया, देखिए बता देते हैं, लक्ष्य रखा गया आपको इस समय सबसे पहले, अभी देखिए इसको सबसे पहले समझ लेते हैं, इस समय पीएम कौन व्यक्ति थे। ठीक है, उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी पीएम थी। ठीक है, इसका लक्ष्य रखा गया कितना आपको, 5.7%। ठीक है, 5.7% प्राप्ति कितना आया, प्राप्ति कितना आया आपको, 3.3%। ठीक है, ये भी असफल रहा। ठीक है, समझ आया। और देखिए इसमें और पॉइंट है बहुत सारा। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले क्या किया गया था कि 14 बैंक का, ठीक है, बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, उसको मतलब कि सरकारी मान्यता दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीयकरण का मतलब सरकारी मान्यता। ठीक है, राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, क्वेश्चन पूछ देगा कि आपको जो ई किया राष्ट्रीयकरण किया गया लगभग 1969 में किया गया। ठीक है, पूछ देगा कि किस फाइव ईयर प्लान में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो आपको 1969 में। ठीक है, फोर्थ में 1969 में। ठीक है, और देखिए 1969 में आपको इसरो का गठन हुआ। ठीक है, 1969 में इसरो का गठन हुआ 1969 में इसरो का गठन हुआ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिसको सरकारी मान्यता दिया गया, और 1969 में आपको इसरो का गठन हुआ। ठीक है, और देखिए 1971 में आपको 1971 में जो आप पश्चिम बंगाल अभी सुन रहे हैं, जो राज्य हम लोग का भारत देश का राज्य है पश्चिम बंगाल, और उसके बगल में बांग्लादेश बोला जाता है, पहले बोला था पश्चिमी बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल, अब उसको नाम रख, अब देश आज़ाद हो गया, उसको बोला गया बांग्लादेश। उसके लिए पाकिस्तान से युद्ध हो गया था 1971 में, भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया था। उस समय हम लोग को सहायता कौन दिया था, हेल्प कौन किया था, रूस। ठीक है, भारत देश को उस समय रूस हेल्प किया था बहुत 1971 में इंदिरा गांधी के समय। ठीक है, और देखें और 1971 में युद्ध हुआ तो उसको बचाया गया 1971 में आपको बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश आज़ाद हुआ बांग्लादेश आज़ाद हुआ। ये इतना पॉइंट इसमें ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले आप समझ लेते हैं फोर्थ फाइव ईयर प्लान। ठीक है, 1969 ले 1974 तक चला। ठीक है, आपको थर्ड फाइव ईयर प्लान 1961 ले 1965 तक चला। अब बीच में आपको दो साल के लिए हॉलीडे रखा गया क्योंकि बहुत सारा दिक्कत हो गया था थर्ड फाइव ईयर प्लान में। ठीक है, समझ आ रहा है। तो इसको प्लान हॉलीडे बोला गया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ देता है कि फर्स्ट प्लान हॉलीडे कब हुआ था, तो 1966 ले 1969 तक। ठीक है, और देखिए जब फोर्थ फाइव ईयर में प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। ठीक है, इसका लक्ष्य कितना रखा गया, 5.7%, प्राप्ति कितना हुआ, 3.3%, ये असफल रहा, समझ आया। और देखिए
इसको 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में, समझा। और देखिए 1969 में आपको इसरो का गठन हुआ, ठीक है, और 1971 में आपको भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, और 1971 में ही बांग्लादेश आज़ाद हुआ, ठीक है। ये इतना आपको ये हुआ, ठीक है। ये फोर्थ फाइव ईयर प्लान है, ठीक है। आइए फिर आप समझते हैं फिफ्थ फाइव ईयर प्लान, ठीक है, मिटा दें इसको, ठीक है फ्रेंड। तो पाँचवा फाइव ईयर प्लान, ठीक है, ठीक है, पाँचवा फाइव ईयर प्लान, ठीक है, यस सर, समझाया, यस सर। देखिए फिफ्थ फाइव ईयर प्लान, ठीक है, फिफ्थ फाइव ईयर प्लान। ये फिफ्थ फाइव ईयर प्लान आपको 1974 से 1979 तक चला था, ठीक है, 1974 से 1979 तक चला था आपको फिफ्थ फाइव ईयर प्लान, ठीक है, समझ आ रहा है। देखिए सबसे पहले बताते इसका लक्ष्य रखा गया था, लक्ष्य ये भी पूछता है क्वेश्चन में, ठीक है, लक्ष्य रखा था 5%, इधर ध्यान दीजिए 5%, ठीक है, yes, आपको प्राप्ति हुआ था, ठीक है, प्राप्ति कितना हुआ था 4.9%, ये भी क्या हुआ असफल रहा, ठीक है। और देखिए इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी, ठीक है, पीएम इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी, समझ आ रहा है। देखिए इसी समय इंदिरा गांधी बोली थी, गरीबी हटाओ का नारा दी थी, एक नारा इंदिरा गांधी लगाई थी, बोली नारा, ठीक है, इसका नाम है गरीबी हटाओ, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है गरीबी हटाओ का नारा कौन दिए थे, कौन व्यक्ति दी थी, इंदिरा गांधी, ठीक है। और देखिए और इसमें कि जो कि 1975 में इलाहाबाद के हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी के निर्वाचन के लिए मतलब वो बहुत मतलब उल्टा पुल्टा मतलब पीएम बनी थी ना, तो जो कि अच्छा लेकिन काम नहीं करने लगे, ठीक है। तो आपको 1975 में इलाहाबाद के हाई कोर्ट में, ठीक है, पीएम इंदिरा गांधी को निर्वाचन अवैध इसी समय हटाया जाए, वो हम अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है। 1975 में आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपको निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया, ठीक है, निर्वाचन अवैध घोषित किया, ठीक है, निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। इसके बाद और एक पॉइंट है आपको, एक व्यक्ति के नाम सुनेंगे जेपी नारायण, ठीक है, जेपी नारायण, जेपी नारायण ने नौकरी के लिए स्टूडेंट हंगामा करवाए थे, ठीक है, नौकरी के लिए स्टूडेंट हंगामा हुआ, ठीक है, स्टूडेंट हंगामा हुआ आपको 1974-79 के बीच में, ठीक है। और देखिए 1975 में आपको जब इंदिरा गांधी को जब हाई कोर्ट ने बोला 1975 में, तो 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दी, ठीक है, तो 1975 में आपातकाल लगा था, ठीक है, 1975 में इंदिरा गांधी आपातकाल लगा दी थी। आपातकाल का मतलब होता है इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी लगा दी थी, ठीक है। देखिए तो 1900 फिर कितना दिन के लिए इमरजेंसी लगा था, तो 21 माह के लिए, ठीक है, 21 माह के लिए आपको इमरजेंसी लगा था, ठीक है। और देखिए जब इमरजेंसी लगा देते उसमें अब लोकतंत्र है, भारत एक लोकतंत्र है, ठीक है, लोगों का तंत्र, ठीक है, लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब कानून, ठीक है, लोगों का कानून लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में जनता सब घुसा गए, जनता घुसा गए तो क्या किए आपको 1977 में एक नया उम्मीदवार को चुन लिए प्रधानमंत्री, जो कि गैर कांग्रेस थे, कांग्रेस जो इंदिरा गांधी थे कांग्रेस के पार्टी में थी, और गैर कांग्रेस को बोलते हैं कि दूसरा व्यक्ति जो दूसर पार्टी से हो, जिसका नाम था मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी
देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई, ठीक है, समझ आ रहा है, मोरारजी देसाई ने मोरारजी जो कि 1977 में आपको चुनाव हुआ, जो कि पीएम बने थे मोरारजी देसाई आपको 1978 में, ठीक है, ये थे आपको गैर कांग्रेस। ये कौन पार्टी से था आपको, मोरारजी देसाई दूसरा पार्टी से थे, ठीक है, ये इसी के चलते इनको बोला जाता है आपको गैर कांग्रेस, दूसरा पार्टी से थे, ठीक है, ये दूसरा पार्टी से इनको जिताया गया मोरारजी देसाई को, और इनका सरकार बनाया गया 1978 में, जो कि ये अपना एक प्लान चालू किए थे, ठीक है, प्लान, ठीक है, प्लान जिसका नाम है रूलिंग प्लान, ठीक है, रूलिंग प्लान, ये आपको रूलिंग प्लान कितना दिन तक चला था, आपको दो दो साल का था, ठीक है, आपको 1978 ले आपको 1900 साल भर का था ये रूलिंग प्लान, 1978 ले 1979 ले 80, ठीक है, दो साल का था आपको, देखिए 1978 ले 79 तक चला था, फिर एक चला था 1979 ले आपको 80 तक, समझ आया, ये था रूलिंग प्लान। क्वेश्चन पूछता है कि रूलिंग प्लान किस व्यक्ति ने चालू किया था, किस प्रधानमंत्री ने, आपको मोरारजी देसाई ने, कब, 1977 में इलेक्शन जीते थे गैर कांग्रेस, सबसे पहले दूसरा पार्टी के नेता पीएम कौन बने थे, मोरारजी देसाई, ये आपका ये चालू किया था आपका रूलिंग प्लान, जो कि साल भर का था, ठीक है, 1978 से 80 तक था, ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपको, ये हो गया आपको फिफ्थ फाइव ईयर प्लान, ठीक है, देखिए एक बार रिपीट कर देते हैं, फिफ्थ फाइव ईयर प्लान आपको 1974 से 1979 तक चला, लक्ष्य रखा गया 5%, प्राप्ति हुआ 4.9%, और इस समय पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी, नारा एक दी थी गरीबी हटाओ हटाओ, और 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसको कुछ दिक्कत हो गया, अपना मनमानी करने लगी थी, ठीक है, तो इसको निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया गया, और जेपी नारायण ने नौकरी के लिए स्टूडेंट हंगामा करवाए थे 1975 में, जो कि आपातकाल लगा दी थी, आपातकाल लगाई थी उसी समय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला तो ये आपातकाल लगा दी, क्योंकि इनका बहुमत था इंदिरा गांधी के, ठीक है, और 1975 में आपातकाल लगा दी थी 21 माह के लिए, 1977 में आपको चुनाव हुआ तो गैर कांग्रेस से जीते, जिसका नाम था मोरारजी देसाई, ये एक प्लान चालू किए थे जिस प्लान का नाम है आपको रूलिंग प्लान, ठीक है, 1978 में, 78 से 79, 79 से 80, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे आपको 6 5 ईयर प्लान, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, सबके लिए थैंक यू।